हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 27 जून 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करने वाले और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाए ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल सेलर्स डे। हाल ही में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है जून 20, जून 22, जून 25 और जून 26। इसका आंसर होगा जून 25। द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व ऑन 25 जून एज द इंटरनेशनल एज द डे ऑफ सीफेरर। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन के द्वारा 25 जून को मनाया जाता है और इस साल का थीम है सी फेरर्स आर की वर्कर्स। सी फेरर्स प्रमुख श्रमिक है। ऑन दिस डे पीपल पे रेस्पेक्ट टू सी फेरर्स एंड सेलर्स हु हेल्प द एंटायर वर्ल्ड फंक्शन बाय कंडक्टिंग सी ट्रांसपोर्ट। इस दिन लोग सी फेरर्स और नाविकों को सम्मान देता है जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व का कार्य में मदद करती है। This year the annual day of the seafarers will be celebrating its 10th anniversary on June 25. इस साल सीफेरर का वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है 25 जून को जो इसका 10वीं सालगिरह है। और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और इसका स्थापना हुआ था 17 मार्च 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम को और इसका सेक्रेटरी जनरल है कीटेक लिम। आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट रिसेंटली ऑन ई पंचायत पुरस्कार इन 2020। हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत का पुरस्कार मिला है 2020 में? इसका ऑप्शन है सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट विंस फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है। दिस प्राइज वॉज गिवेन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा दी जाएगी। All the 3,226 पंचायत ऑफ द स्टेट हैव बीन प्रोवाइडेड इंटरनेट फैसिलिटी एंड पीपल कैन एक्सेस वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन। राज्य की सभी 3,226 पंचायतों को इंटरनेट प्रदान किया गया है, इंटरनेट का सुविधा प्रदान किया जाएगा और लोग विचित्र सेवाओं में ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। द वेरियस सर्विसेज सचेज फैमिली रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज आर रजिस्टर्ड ऑनलाइन इन द पंचायत। पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विचित्र सेवाएं ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा। अबाउट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इसका गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। आज का तीसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड विटिलिगो डे। हाल ही में किस दिन को विश्व विटिलिगो दिवस के रूप में मनाया गया? इसका ऑप्शन है जून 18, जून 21, जून 23, जून 25 और इसका आंसर होगा जून 25। ऑन जून 25 ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड विटिलिगो डे। हर साल 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट विटिलिगो एंड टू रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस बुलिंग, सोशल नेग्लेक्ट एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस्ड बाय द पीपल हु हैव दिस डिजीज। इस दिन का उद्देश्य विटिलिगो के बारे में जागरूकता बढ़ाना और चुनौतियां, बदमाशी, सामाजिक उपेक्षा और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों का पहचान है। द डे वॉज क्रिएटेड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन VR फाउंडेशन ऑफ USA, फिटसेप ऑफ नाइजेरिया और ये दिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के गैर लाभकारी संगठन VR फाउंडेशन एंड नाइजीरिया के बीटसेप के द्वारा बनाया गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड विटिलिगो डे वॉज हेल्ड ऑन 25 जून
2011 विश्व विटिलिगो डे पहले मनाया गया था 25 जून 2011 को। अबाउट विटिलिगो, विटिलिगो इज एन ऑटोनोमस कंडीशन व्हिच कॉजेस इरेगुलर व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन ड्यू टू द डैमेजेस स्किन पिगमेंट सेल। विटिलिगो एक स्वायत्त स्थिति है और इस रोग के द्वारा हमारे शरीर पे सफेद दाग पड़ जाते हैं और ये होते हैं हमारे शरीर पे जो पिगमेंट सेल है वो सब डैमेज हो जाते हैं। इट डज नॉट हैव एनी क्योर बट चेंजेस इन फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल कैन हेल्प टू रिस्टोर द पिगमेंट इन द सेल्स। इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन भोजन की आदत में बदलाव और जीवन शैली कैसिकाओं में वर्णन के बहाल करने में मदद कर सकते। आज का 14 क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉस्ट मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम का लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटका, त्रिपुरा, तेलंगाना। इसका आंसर है त्रिपुरा। ऑन June 25, 2020 त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री पुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। 25 जून 2020 को त्रिपुरा सरकार ने घोषणा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्टि आहार योजना शुरू की है गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए। द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट्स एफर्ट टू फाइट मेल न्यूट्रिशन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। और ये योजना राज्य के कुपोषण से लड़ने के प्रयास का एक हिस्सा है और ये मातृ मृत्यु हार को कम आता है। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द स्टेट मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल एडुकेशन संतना चकमा। और ये योजना की घोषणा राज्य के समाज कल्याण मंत्री और सामाजिक संबंधन स्थापना सामाजिक संपादना संतना चकमा द्वारा की गई है। अराउंड 40,000 वुमेन विल बी बेनिफिटेड अंडर द स्कीम। इसके द्वारा 40,000 महिलाओं और इसके बेनिफिट ले सकते हैं। एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस 6 एग्स पर वीक एंड 20 ग्राम जैगरी एंड 20 मिलीमीटर मिल्क विल बी प्रोवाइडेड 6 डेज वीक। संशोधित निर्देशों के अनुसार प्रति सप्ताह छह अंडा और 200 ग्राम गुड़ और 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगी हफ्ते में 6 दिन। आज का 5वां क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हाल ही में किस दिन को ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहे हैं? इसका ऑप्शन है June 20, June 22, June 24 और June 26। इसका आंसर होगा June 26। इन ऑर्डर टू मेक सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड फ्री ऑफ ड्रग एब्यूज ऑन 7 December 1997 बाय अडॉप्टिंग रेजोल्यूशन 42/112 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 26 जून टू ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। दुनिया भर में समाजों को नाशकारी से मुक्त बनाया जा सकता है और इसके लिए 7 December 1987 को 42/112 को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को घोषणा किए नस्ली दबावों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ये दिन मनाया जाएगा। इसके इस साल का थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग्स थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन। और ये दिन सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से दवाओं का प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने का इसका लक्ष्य है। इसका 6वां क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉस्ट YSR कपू नेस्टम स्कीम फॉर वुमेन ऑफ कपू। हाल ही में किस राज्य ने कपू की महिलाओं के लिए YSR कपू
योजना शुरू की है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरला। और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च द कापू नेस्टम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹75,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, ₹15,000 पर एनम टू वुमेन ऑफ कापूर। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 5 वर्ष की अवधि के लिए ₹75,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने की लिए लागू लिए कापू नेस्टम योजना करेंगे। कापू समुदाय की महिला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फाइनेंशियली एम्पावर कापू वोमेन बाय इनहेंसिंग देयर लिवलीहुड एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है और कापू महिलाओं ने वित्तीय सहायता के साथ अपनी आजीविका और जीवन स्तर पर बड़ा कर देंगी। वोमेन इन द एज ऑफ 45 to 60 बिलोंग टू कापू कम्युनिटी आर बेनिफाइड विद दिस। इस योजना से कापू समुदाय से संबंधित 45 से 60 वर्ष की महिलाओं लाभान्वित होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज देविका एंड पुनेजा ब्रिज इनॉग्रेटेड। हाल ही में कहा देविका एंड पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। 24 जून 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर पुनेजा ब्रिज इन दोदा डिस्ट्रिक्ट एंड देविका ब्रिज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ओवर ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। 24 जून 2020 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोदा जिले में जम्मू और कश्मीर का पुनेजा ब्रिज और उधमपुर जिले में देविका ब्रिज का एक आभासी मंच पर उद्घाटन किया गया। देविका ब्रिज जो 10 मीटर लॉन्ग इज बिल्ट टू ईजी द ट्रैफिक कंजेशन एंड टू मीट द डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द उधमपुर टाउन एरिया। 10 मीटर लंबा यातायात भीड़ को कम करने और मिलने के लिए बनाया गया उधमपुर नगर क्षेत्र के विकास और आवश्यकताओं को। द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अबाउट 1 ईयर टाइम स्पेन बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एमिड द लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 एंड लेबर शॉर्टेज। सीमा सड़क द्वारा पुल का निर्माण लगभग 1 वर्ष के समय में किया गया था COVID-19 के लिए और ये श्रम की कमी के कारण तालाबंदी के बीच संकट हुआ था। पुनेजा ब्रिज द 50 मीटर लॉन्ग पुनेजा ब्रिज इज बिल्ट ओवर द पुनेजा स्ट्रीम ऑन द भदरवर बैसोली पठानकोट नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन। 50 मीटर लंबा पुनेजा पुल भद्रेबा पर पुनेजा नदी के ऊपर बनाया गया और ये वैशाली पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण द्वारा की गई है। द ब्रिज वॉज बिल्ड बाय द 114 RCC ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन 36 मंथ। इस पुल को 36 महीने में सीमा सड़क संगठन के 114 RCC द्वारा बनाई गई है। If you like the video, please like, comment, share and subscribe Daint. Thank you.